तीन बुकिंग में 3223 रुपए की अर्निंग की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइज। सुबह सुबह के बज रहे हैं 8:15 और मैं हूँ अभी बेलापुर CNG की लाइन में। दो गाड़ी है आगे। आज सुबह सुबह क्या हो गया कि मतलब पता नहीं, मेरे यहाँ पे ना रिक्शा मिल ही नहीं रही थी बच्चे लोग को स्कूल के लिए। सो पंक्ति की स्कूल जो है ना 7:50 को पहुँचना होता है, उसको मैंने 8 बजे पहुँचाया स्कूल में और उधर से मैं यहाँ पे आया। आज है 28 तारीख और कल और परसों 2 दिन मुझे काम था। सो मैं सुबह सुबह नहीं जा रहा था, इवनिंग को मैं जा रहा था, बोला जो भी होगा काम करके आता हूँ। फिर भी 2 दिन का जो है ना प्रॉफिट 1000, 1100, 1200 ऐसा करके लाया हूँ। सो जो अर्निंग है वो मैं आपको बता दूंगा कुछ टाइम में। कल रात को डायरेक्टली ओला ने मुझे बुकिंग दे दी थी खारघर की, पवई से। तो खारघर में मैंने ड्रॉप किया और वो साइड भी CNG पंप दूर था और ये साइड बेलापुर वाला तो बंद ही हो गया था। सो नेरुल जाना पड़ता, तो मैंने सोचा सुबह ही भराऊंगा CNG। तो अभी बस CNG की लाइन में हूँ। अभी अपना नंबर आ गया है, फास्टैग में मैंने रिचार्ज भी कर लिया है। 8:30 बज रहे हैं और एक बुकिंग मिल गई है मुझे। ये है नरीमन पॉइंट की। यू टर्न बहुत आगे से दिखा रहा है बट इतना है नहीं, यहीं से यू टर्न ले लेंगे, अटल सेतु से सीधा चले जाएंगे नरीमन पॉइंट 1 घंटे में। सुबह सुबह के जो है ना वो सिर्फ 8:30 ही बज रहे हैं और भाई इतना ट्रैफिक, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम दिखा रहा है अंधेरी ईस्ट पहुँचने के लिए। और अमाउंट जो था ना 550 रुपये दिखा रहा था। सो मैंने वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं की, मैं सोचा कि चलते हैं नरीमन पॉइंट डायरेक्टली, आई तो फिर ले ली। अभी कस्टमर खड़े हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे है और ये सिग्नल से यू टर्न लेके मैंने बोला आने के लिए, तो बोल रहे हैं कि आप आगे से यू टर्न ले लो। तो अभी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा अपने को यू टर्न के लिए। सो ऐसा है कि कस्टमर को इधर से इधर भी इतना भी नहीं चलना होता है। अपना सिग्नल भी खुल गया, बंद हो गया सिग्नल तो भाई 50 मिनट में पहुंचा हूँ। 611 रुपये मिले इसमें। अभी भाई यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, लेट्स सी अभी बुकिंग का क्या हाल है यहाँ पे, मिलेगी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज मुझे जाना पड़ेगा चंडी रोड ताड़देव की तरफ, वहां से मिलेगा। सो फाइनली गाइस, मैं जा रहा था नरीमन पॉइंट से ताड़देव चंडी रोड की तरफ और बुकिंग मिल गई है मुझे रेंटल की, और ये है नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव। सो ये पिकअप जो है ना एकदम बाजू से ही है ये वाले होटल से। ये होटल है होटल मरीन प्लाजा, बाहर ही रुकता हूँ, कस्टमर से बात हो चुकी है, आ जाएंगे। राइट साइड में है मरीन ड्राइव। 8 घंटा 100 किलोमीटर के रेंटल वाली बुकिंग अपने को मिल गई है और अभी जो है ना वो बज रहे हैं 9:40। सो भाई यही से बुकिंग मिली है तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा आज का दिन। और लेट्स सी, अभी ये जल्दी खत्म होती है, लेट खत्म होती है, एक्स्ट्रा चलती है, नहीं चलती है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। सो एंड तक देखना, कुछ मिस मत करना गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाड़ी को इधर पार्क कर दिया और भाई पहली ही ट्रिप मतलब पहला ही स्टॉप लेके आया हूँ मैं यहाँ पे अंदर की तरफ मांडवी के यहाँ पे। और भाई पूरा जो है ना अभी तक क्राउड स्टार्ट नहीं हुआ है बट फिर भी जो है ना धीरे 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 ना हाथ गाड़ी वगैरह ये पूरा रोड है ना ये पैक हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे भी बट मुझे जगह अच्छी मिली है तो मैंने लगा दी ये गाड़ी, सब लोग है ना आगे लाइन से खड़े है गाड़ी लेके। और ये देखो यहाँ पे एक हाथ गाड़ी खड़ी है माल लोड करके, तो ये अभी निकलेगी थोड़ी देर में। तो कस्टमर गए हैं यहाँ पे तो यहाँ से आएंगे वैसे ही चलते हैं अभी। तो कस्टमर को मैंने पूछा तो बोला कि लास्ट स्टॉप जो है ना वो एयरपोर्ट रहने वाला है, मतलब कि 6 बजे तक अपने पास राइड है। 11:30 हो गए और ये लोग है ना भाई अभी तक आए नहीं है। भाई ये देख लो धूप निकल गई है, गाड़ी मैंने वहीं पर पार्क की, पूरी कड़कती धूप निकली है और ऑलमोस्ट 2 घंटा होने आया है। पता नहीं भाई कब तक आएंगे बट जब भी आए तभी अपना काम जो है ना और टाइम जा रहा है अपना। 1:15 हो गए और मैं ना अभी आ गया हूँ टर्मिनल 1। यस भाई ये देख लो अभी जो है ना नेक्स्ट स्टॉप डाला है भारत डायमंड ब्रूस BKC। ये दो लोग थे, एक को जो है ना वहाँ पे मीटिंग खत्म करने के बाद उसने बैग भी ले लिया, बैग रखा था यहाँ पे। सो बैग भी ले लिया और जो है ना वो टर्मिनल 1 पे ड्रॉप किया उनके साथ जो एक बंदा था उसको। और अभी उन्होंने लोकेशन चेंज किया, वो गए BKC भारत डायमंड ब्रूस, कुछ डायमंड का कुछ काम है। सो वो खत्म करेंगे तब तक मैं पहुंच जाता हूँ BKC। मुझे बोला यहाँ से BKC आ जाना। जिनको अभी ड्रॉप किया ना तो उसने क्या बताया कि 1-1.5 घंटे में उनको भी लास्ट स्टॉप जो है ना वो एयरपोर्ट ही रहने वाला है। सो अभी चलते हैं BKC। अभी है ना BKC में जाने के बाद पूछ लूंगा कि भाई कहाँ पे रुकना है करके। और ये फेयर देखो ओला का 180 रुपये दे रहा है दादर। अब फुल ऑन ट्रैफिक है भाई BKC में दोपहर के टाइम पे, पूरा ट्रैफिक है भाई आगे की तरफ जो है ना भारत डायमंड ब्रूस है। सो वहाँ पे जाना है अपने को और कस्टमर से बात हो गई है।
सो एम्प्टी निकल गया था मैं एयरपोर्ट से और यहाँ पे पहुँचते ही कॉल किया, कॉल नहीं उठा रहे भाई। पहले तो मुझे लगा कि भाई कहीं ये फ्रॉड बुकिंग तो नहीं, बट नहीं, फाइनली फ़ोन उठाया और मीटिंग में थे तो बोले 10 मिनट पहले कॉल कर दूंगा, मतलब पार्किंग में गाड़ी लगा देता हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, पार्किंग में ही लगानी पड़ेगी गाड़ी। और आज पता नहीं भाई कुछ तो है, जियो कन्वेंशन सेंटर पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी दोस्त का भी कॉल आया, पूरा ट्रैफिक में फंसा, 1 घंटा BKC में लग गया। सो अभी अपने को किधर भी पार्किंग मिल जाएगा ना तो पार्किंग में लगा दूंगा गाड़ी और फिर टेंशन नहीं रहेगा। ये UTI बिल्डिंग के सामने ही है, जगह थी नहीं बट भाई साहब ने जो है ना अपने को जगह करके दी, बोले चाबी जमा करनी पड़ेगी। सो ठीक है, थोड़ी देर चाबी जमा कर देंगे। तो सामान वगैरह तो मैंने ले लिया, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, भूख लगी है, थोड़ा खाना खाने जाता हूँ आगे, बाद में आके चाबी ले लूंगा। सब गाड़ी जो है ना डबल में पार्किंग है, सब डबल में पार्किंग है भाई। सो बोले है कि स्लिप यहाँ से लेने के लिए, ये अच्छा तो यहाँ से स्लीप आएगी, जाने के टाइम पे पैसे दे रहे हैं। ओके, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगाने की, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे चलता है। अभी मैं जहाँ पे रुका था क्राफ्ट मार्केट के यहाँ पे, वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं लगी मुझे, तो मैंने कुछ नहीं किया, पार्किंग में नहीं लगाई गाड़ी। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा रहेगा, ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे लगाता नहीं हूँ मैं, बट अभी यहाँ पे भाई कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है BKC में, तो पार्किंग में लगाना पड़ता है गाड़ी, तो लगा दिया है। 3 घंटे का 75 है, 3 घंटा तो लगेगा भी नहीं, तो 75 रुपीज़ जो है ना कस्टमर से कलेक्ट कर लेंगे बिल के साथ में। तो अभी भी ट्रैफिक है पूरा, और यहाँ पे जो है ना एशियन हार्ट हॉस्पिटल है वो लेन में आगल है ना, रेस्टोरेंट वगैरह है, तो कुछ खाता हूँ जाके, भूख लगी है, बाद में रात की रात में देखेंगे। ये सब यहाँ पे जो है ना खाने पीने का ऑप्शन था, बट अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो भाई मैं तो एकदम हाईवे तक आ गया, मतलब कि मेन BKC तक आ गया अंदर, सामने भारत टाइमल ब्रू से यहाँ पे जाना है अपने को, बट कुछ खाने पीने का ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं। सो अभी क्या करेंगे भाई, वहीं पे जाना पड़ेगा, उधर ही देखना पड़ेगा कुछ तो। 3:15 आए और ये भाई साहब का है ना अभी तक कोई भी पता नहीं है, मैं है ना वेट कर करके थक गया। ऐसी बात है गाड़ी में लगेज नहीं है कुछ भी, और ये भाई साहब बोले कि 10 मिनट पहले कॉल कर दूंगा, मीटिंग जैसे खत्म होती। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई है अभी, मतलब कि इसमें सोचने में मतलब ऐसा आ रहा है कि भाई क्या ये जेन्यून ट्रिप है कि फेक ट्रिप है, पता नहीं क्या होने वाला है, अभी कॉल आएगा तो पता चलेगा। और मैं अभी पार्किंग में बैठा हूँ, मैं ना आजू बाजू में सब जगह घूम के आया भाई, कहीं पे भी मुझे ना खाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि मैं ना जहाँ पे मैं सोच रहा था कि खाना है वहाँ पे कुछ था नहीं। मैं 2 चक्कर मैंने लगाए गाड़ी पार्क करने के बाद, फिर भी कुछ नहीं मिला। और ये 26 को गया था मैं, और ये 958 रुपीज़ जो है ना ये है 27 का, 958 ये है, और ओला में कुछ 450 रुपये कुछ है, तो इस तरह से कुछ 1400 रुपये के आसपास होता है। तो दोनों दिन जो है ना मैं 1200-1200 रुपये बचा के लाया हूँ। सो इस तरह से ये 2 दिन निकले, तो मतलब इसमें बहुत ही छोटा व्लॉग था, तो मैं ना एडिट करने जा रहा था, फिर सोचा कि यार इतना छोटा व्लॉग है, सो नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना इसकी अर्निंग वगैरह जो कुछ भी है वो बता दूंगा। बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया भाई साहब का कॉल आया नहीं अभी तक, मैं सोच रहा था थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ, टेंशन आ रहा है कि भाई ये ट्रिप जेन्युइन है भी या नहीं। मेरे साथ अभी तक ऐसा एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं इतने सालों में कि कोई फेक बुकिंग आई होगी, बट आज ऐसा मतलब कि मुझे ना थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये बंदा कॉल करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि गाड़ी में कुछ लगेज नहीं है। ऐसा मतलब मेरे साथ रेंटल में कभी नहीं हुआ कि गाड़ी में कोई लगेज नहीं है या कोई भी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कस्टमर का सामान रहता ही है, बट आज जो है ना वो डायरेक्टली ओपोजिट वाली जो है ना वो सिचुएशन है। सो पता नहीं भाई क्या होने वाला है, जब तक अपने पास ये रेंटल का टाइम है तब तक तो मैं कॉल करूँगा नहीं कस्टमर को, सामने से वही कॉल करेगा और बताएगा कहाँ मिलना है करके। सो वेट एंड वॉच करते भाई। फाइनली भाई अभी जाके कॉल आया है, 5:05, और अभी वापस से मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, गेट नंबर 8 के पास बुलाया है। सो पता नहीं अभी यहाँ से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, और अभी तो है ना एयरपोर्ट ही जाना है, लास्ट ऑफ एयरपोर्ट है अपना। कस्टमर का बिल हुआ है 2370 रुपये, और कस्टमर ने जो है ना वो दिए है 2500 रुपये पूरे। गाड़ी टच हो गई है भाई, पता नहीं क्या हुआ है, ये वाला जो है ना ये उखड़ गया है पूरा, नीचे गिर गया और ये निकल गया था बाहर, ये इस तरह से घिस दिया है भाई साहब ने। 5:05 में BKC से निकला था मैं, और ओला भी चालू कर देता हूँ अभी, तो भाई घर की तरफ ही जाना है। 1.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया भाई, इतना खतरनाक ट्रैफिक, जो कलीना के आगे जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होता है ना रोड, भाई वही रूट बंद कर दिया था, उसके आगे 50 मीटर से जो है ना वो नया रूट बना है, सो उसके चक्कर में जो है ना वो टाइम हो गया। अभी पवई का 342 रुपीज़ दे रहा है भाई, बहुत ही अच्छा अमाउंट दे रहा है,
लेकिन ऊबर में देखते हैं भाई ऊबर में क्या प्राइस बचता है। अभी जाना है साउथ बॉम्बे की तरफ, खतरनाक पूरा ट्रैफिक जाम है, और वही ट्रैफिक में है ना एक यार डिजायर वाले ने जो है ना पीछे गाड़ी जो है ना वो राइट साइड में टच कर दिया ट्रैफिक में, जगह नहीं है फिर भी घुसे जा रहे भाई। ड्राइवर लोग भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज जरा यार थोड़ा है ना गाड़ी आराम से चलाओ ट्रैफिक में। अभी क्या मैं उसको बोलूँ यार, वो चिट यार अच्छी बुकिंग थी सीउड की, किसी और को चली गई। अभी चलो नुकसान नहीं हुआ है, बम्पर वगैरह उखड़ गया था, मैंने टाइट कर दिया तो प्रॉपर है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा जो है ना उसकी डिजायर का व्हाइट कलर थोड़ा सा लगा है। पीछे का जो गार्ड था वो भी जो है ना वो गिर गया वहीं पे, सो मैंने ना उसको छोड़ दिया वहीं पे। अभी इस पे जो लगा हुआ है ना लेफ्ट वाला वो भी आधा उखड़ गया, उसको भी मैं ना निकाल देता हूँ, मगजमारी नहीं खाली फॉरवर्ड एक्सेसरी जो एक्स्ट्रा लगाते हैं ना वो, कभी गाड़ी छोटी मोटी टच होती है ना तो ऐसे ही होता है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, पार्किंग के उधर मुझे कुछ खाना भी नहीं मिला। 2002 रुपये दिए मुझे और कस्टमर ने जो है ना 2500 रुपये पे किए, 105 रुपये उसमें पार्किंग है और 45 किलोमीटर ही गाड़ी चली है, एक घंटा ज़्यादा हो गया। मैं ना भाई वापस आ गया यू टर्न लेके, जा रहा हूँ टर्मिनल 2 पे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रैफिक है भाई। इतना अच्छा मेरा काम हो गया है ना तो वापस जो है ना कुछ भी लालच करके वापस जाना नहीं है ट्रैफिक में। अभी सीधा मैं टर्मिनल 2 पे चल रहा हूँ, सिर्फ 95 गाड़ी है और टक्कर भाई भी उधर ही बैठे हैं। 90 गाड़ी है आगे, सो देखते हैं अभी कब तक नंबर आता है। 7:08 हो रहे हैं और भाई गाड़ी में CNG है 3 पॉइंट, गाड़ी बंद नहीं कर रही है। गाड़ी अगर बंद करूँगा पता नहीं चालू होगी नहीं होगी, तो गाड़ी तो मैं चालू ही रखूँगा। जो भी पहले आएगी ओला उबर दोनों में से जिस साइड की भी मुझे बुकिंग चाहिए आ गई तो मैं लेके चले जाऊँगा। अभी ये मुंब्रा की बुकिंग आ रही है, सो मुंब्रा नहीं जाना है भाई। ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं और अभी जाके एक बुकिंग मिली है मुझे, तो ये बुकिंग है वहाँ पे की, तो वहाँ पे चलता हूँ गाइस। और भाई 2 घंटा तो लगने वाला है आराम से, गाड़ी मैंने अभी तक बंद नहीं की है क्योंकि जो है ना CNG जो है ना वो 3 पॉइंट अभी भी है बाकी। सो फाइनली ड्रॉप कर दिया है मैंने होटल रमाडा, तो मिलेनियम बिजनेस पार्क वहाँ पे फोटो अब सेट किया हुआ है। बुकिंग नहीं भी मिलेगी तो भी मैं जो है ना धीरे धीरे जा रहा हूँ घर की तरफ, सिर्फ 25 किलोमीटर का। जब मैं निकला था भी 1:45 से भी ज्यादा का टाइम दिखा था, 1:45, 1:50 और मैं आया हूँ 1:32 में। मतलब कि जहाँ भी पॉसिबल था वहाँ पे है ना मैंने सर्विस रोड लेते लेते लेफ्ट लेफ्ट से गाड़ी निकालते निकालते जो है ना मैं पहुंचा हूँ 1:32 में। सो 10:15 में आ गया हूँ बेलापुर, 8:30 सुबह लॉग इन किया था और 10:15 है ना घर पे हूँ। तो जैसे गाड़ी मैंने रिवर्स लगाई वैसे ही गाड़ी जो है ना वो पेट्रोल पे आई है, 140 किलोमीटर ही चली आज, पूरा 1 CNG लगा है 140 किलोमीटर 4 बजे से लेके अभी 10, मतलब अभी तक मैंने गाड़ी बंद नहीं की है क्योंकि जो है ना वो गाड़ी की बैटरी में कुछ तो प्रॉब्लम था भाई। मैं पार्किंग में खड़ा था, मैंने जैसे बताया भाई कि फुल मतलब धक्का लगवाना पड़ा मुझे तभी जाके चालू हुई है। अभी मैं जस्ट चेक करूंगा कि अभी क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ गाड़ी वापस स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ये जो है ना अभी ये इसको मैं कर रहा हूँ बंद, उसके बाद देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं वापस। सो अभी गाड़ी मैंने बंद कर दी है, अभी इसको मैं ना सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सी कि बैटरी में प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये देख लो भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है। अच्छा हुआ मैंने जो है ना गाड़ी बीच में कहीं पे बंद नहीं की, अदरवाइज मैं ना फंस जाता, मुझे धक्का लगवाना पड़ता। इसकी वजह से जो है ना आज CNG भी मेरा बहुत ज्यादा गया क्योंकि 140 में ही जो है ना पूरा खाली हो गया। यहाँ पे आके बंद की क्योंकि यहाँ पे अगर चालू भी नहीं होगी ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गाड़ी इधर ही पार्क करनी है। सो अभी है ना गाड़ी जैसे मैंने बताया 140 किलोमीटर चली है, 3 बुकिंग में 3223 रुपये की अर्निंग हुई है। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।